हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ गेहूं के आटे की एक ऐसी टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी शेयर करूंगी जो बच्चों को बेहद पसंद आती है। आप इसे ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं या फिर आप इसे लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। बच्चे हो या बड़े, सभी इसे बहुत शौक से खाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है आधा कप भर के गेहूँ का आटा और उसी के साथ लिया है आधा कप भर के यहाँ पे मैदा। आप चाहें तो यहाँ पे सिर्फ गेहूं के आटे से भी इसे बना के तैयार कर सकते हैं। साथ में ही डालेंगे यहाँ पे थोड़ा सा बेकिंग पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक, और उसी के साथ यहाँ पे हम डालेंगे 1 से 2 चम्मच भर के कुकिंग ऑयल। सभी को डालने के बाद पहले हाथों से मिक्स कर लें, और मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप इसका एक आटा लगा के रख दीजिए। वैसे मार्केट वगैरह में जब हम ये रेसिपी खाने जाते हैं तो वहाँ पे ये पूरी तरह से मैदा से बनाई जाती है, पर अगर आप इसे हेल्दी बनाना चाहते हैं तो या तो गेहूं का आटा ले लीजिए या फिर दोनों को हाफ ऑफ कर लीजिए। तो देखिए, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक नरम सा हम सॉफ्ट सा डो बना के रख लेंगे। तो लीजिए, ये तो बनके बिल्कुल तैयार है। अब इसे ढक के रख देते हैं 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट पे, और तब तक हम चलते हैं आगे स्टफिंग की तैयारी के लिए। तो स्टफिंग के लिए यहाँ पे मैंने कुछ सब्जियाँ ली हैं। तो सब्जियों में मैंने एक छोटे साइज का टमाटर, थोड़ा सा शिमला मिर्च, थोड़ी सी गाजर और एक बॉइल्ड आलू है यहाँ पर, थोड़ा सा प्याज और साथ में ही थोड़ा सा पनीर है। तो यहाँ पर आपको सभी सब्जियों को बहुत फाइन चॉप करना है फ्रेंड्स। तो चलिए अब चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ पे हम रखेंगे सबसे पहले एक पैन और उसमें डालेंगे 3 से 4 चम्मच कुकिंग ऑयल, और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो सबसे पहले इसमें डाल देंगे ग्रेट किया हुआ अदरक। अगर आप लहसुन खाते हैं तो वो भी डाल सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। इसे डालने के बाद 1 सेकेंड के लिए मिक्स कर लें, और उसके बाद हम डालेंगे प्याज। प्याज डालने के बाद, मिक्स करने के बाद हम डाल देंगे यहाँ पर गाजर और कैप्सिकम। दोनों को अच्छे से भून लें यहाँ पे 1-2 मिनट के लिए। ज़्यादा नहीं भूनना है फ्रेंड्स, इनका क्रंच जो है बरकरार रहना चाहिए। और साथ में ही डालेंगे यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा नमक। नमक डालने के बाद मिक्स कर लें, और मिक्स करने के बाद दोबारा से अब हमें ऐड करने हैं यहाँ पे टमाटर। तो टमाटर को भी आप 1-2 सेकेंड के लिए इसमें भून लें। टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं, इसीलिए टमाटर को हम बाद में डालेंगे। और उसी के साथ हम यहाँ पर डालेंगे अब थोड़े से चिली फ्लेक्स, क्योंकि चिली फ्लेक्स, पिज़्ज़ा ऑर्गेनो वगैरह बच्चों को बेहद पसंद आते हैं और इस रेसिपी में अच्छे भी लगते हैं। अब सभी को दोबारा से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद अब हमें यहाँ पे डालने हैं आलू। तो यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज का आलू लिया था, उसे ग्रेट कर लिया है, और ये उबला हुआ आलू है फ्रेंड्स। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम डालेंगे इसमें ऑर्गेनो। लगभग 1 चम्मच भर के इसमें आप ऑर्गेनो डाल दीजिए, और डालने के बाद दोबारा से फिर से सब्जियों के साथ अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसे अच्छे से आपको यहाँ पे भूनना है, और अब सबसे लास्ट में डालेंगे यहाँ पे पनीर। तो पनीर डालना ऑप्शनल है फ्रेंड्स, अगर आपके पास हो तो ज़रूर आप डालें, और ना हो तो कोई बात नहीं है। सभी को बहुत अच्छे से मिक्स कर लें, और मिक्स करने के बाद अब सबसे लास्ट में डालेंगे यहाँ पर हम बारीक कटा हुआ फ्रेश धनिया। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी में हमें जो स्टफिंग बनानी होती है उसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डाले जाते हैं, बस इतने मसाले ही काफ़ी हैं। बस डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर दें, और मिक्स करने के बाद अब हमारी स्टफिंग जो है बिल्कुल रेडी है। इसे साइड में रखते हैं ठंडा होने के लिए, और चलिए तब तक आटा भी चेक कर लेते हैं। और यहाँ पर आटा हमारा पहले से काफ़ी सॉफ्ट हो गया है, बस इसे 1-2 पंच और लगाने हैं। अब उसके बाद सारे आटे को हम बोर्ड पर रख लेंगे, और एक बड़ी सी लोई बना लेंगे, और इसे एक बड़े साइज में बेल के तैयार कर लेंगे। जैसे कि बड़ी सी रोटी या फिर बड़ा सा हम पराठा बेलते हैं, उसी तरह आप इसे बेल के तैयार कर लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूरे बोर्ड पे मैंने इसे बेल के तैयार कर लिया है, और उसके बाद अब इसकी हम कटिंग करेंगे। तो इस तरह का आपके पास कोई ढक्कन हो, ग्लास हो, कटोरी हो, किसी से भी आप छोटी छोटी पूड़ियाँ बना लीजिए। इससे हमारी पूड़ियाँ जो हैं सभी एक शेप में आती हैं, और लुक वाइज भी बहुत अच्छी लगती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आटा बच गया था उसकी दोबारा से मैंने लोई बना ली है, और दोबारा से उनकी कटिंग कर ली है। तो यहाँ पे हमारी सभी पूड़ियाँ बनके तैयार हो गई हैं, और आप देखिए, इन्हें बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, पतला ही रखना है। तो चलिए अब चलते हैं तवे की तरफ।
तो यहाँ पे रखना है नॉन स्टिक तवा और उस पे डाल के हम इन्हें सेकने वाले हैं। अब तो एक बार में तीन या चार जितनी भी आ जाएं उतनी आप एक साथ इन्हें सेक सकते हैं, क्योंकि काफ़ी छोटी होती हैं ये। तो मैंने भी एक बार में तीन रख ली हैं फ्रेंड्स, और दोनों साइड अलट पलट के पहले इन्हें सेक लेंगे। तो इन्हें आपको बहुत ज़्यादा नहीं सेकना है, बस हल्का हल्का ही इन्हें सेकना है। और जब ये हल्के से सिक जाएं और आपको लगे कि हल्के हल्के स्पॉट आने लगे हैं, तब आप इन्हें हटा लें। देखिए फ्रेंड्स, बस हमें इतना ही सेकना है, इससे ज़्यादा नहीं। बस इसी तरह बाकी बची हुई जो हमारी पूरियां हैं उन्हें भी हम सेक के निकाल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये भी बन के तैयार हैं। अब इन्हें भी हम झटपट से निकाल लेते हैं और चलते हैं बोर्ड की तरफ। तो यहाँ देखिए सारी जो शीट्स हैं हमारी वो बन के तैयार हो गई हैं। तो चलिए अब इन्हें बोर्ड पे इस तरह हम कर लेते हैं पहले अरेंज, और अब इसके ऊपर हम लगाएंगे कुछ सॉसेस। और आप देखिए यहाँ पे कि स्टफिंग भी हमारी पहले से काफ़ी ठंडी हो गई है, और अब लास्ट में हम डालेंगे इसमें चीज़। तो यहाँ पे मैंने चीज़ क्यूब्स ले लिए हैं दो, और अब इन्हें इसमें हम करेंगे ग्रेट। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है फ्रेंड्स, जब स्टफिंग ठंडी हो जाए तभी उसमें आपको चीज़ डालना है। अगर आपने गर्म में डाल दिया तो चीज़ वहीं पे मेल्ट होने लगेगी और रेसिपी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। तो बस ग्रेटर की मदद से इस तरह आप दो चीज़ क्यूब्स इसमें डाल सकते हैं आराम से। फ्रेंड्स, नाश्ता इतना ज़्यादा टेस्टी होता है, अगर आपने एक बार बच्चों को दे दिया ना तो हमेशा वो इसी की डिमांड करेंगे। खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है फ्रेंड्स, तो एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो नीचे एक लाइक का बटन दिया हुआ है, उसे ज़रूर प्रेस करें। और साथ में ही मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गरम मसाला और ऐड कर दिया है फ्रेंड्स, और अच्छे से इन्हें कर लिया है मिक्स। तो चलिए अब चलते हैं आगे के स्टेप में। यहाँ पे हम अपनी शीट्स को इस तरह अरेंज करेंगे और उनके ऊपर लगाएंगे सबसे पहले थोड़ी थोड़ी मेयोनीज। और उसी के साथ यहाँ पे हम थोड़ी थोड़ी सॉस भी लगाएंगे इसके ऊपर। तो यहाँ पे आपको सॉस जैसी भी पसंद है, कम ज़्यादा आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसी भी आपको चाहिए वैसी आप यहाँ पे लगा लीजिए और अच्छे से इन्हें स्प्रेड कर दीजिए। देखिए फ्रेंड्स इस तरह। तो आप चाहें तो यहाँ पे पिज़्ज़ा पास्ता सॉस भी लगा सकते हैं थोड़ी थोड़ी, या फिर आप यहाँ पे शेजवान चटनी भी लगा सकते हैं। तो देखिए ये तो हमारी लग के तैयार है फ्रेंड्स। उसके बाद हमें लेनी है स्टफिंग, और चम्मच की मदद से एक एक चम्मच सभी में भर देंगे। तो भरने के लिए आपको सिर्फ एक साइड ही स्टफिंग रखना है, पूरे में स्टफिंग नहीं फैलाना है। एक साइड आप स्टफिंग रख दें। तो लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ सभी जो शीट्स हैं उन पे हमने स्टफिंग रख दी है, और एक में मुझे थोड़ी सी कम लग रही है तो थोड़ी सी और रख देती हूँ इसके ऊपर। तो लगभग आप दो चम्मच स्टफिंग इसमें आराम से भर सकते हैं फ्रेंड्स। जितनी ज़्यादा स्टफिंग होगी उतनी ही टेस्टी हमारी रेसिपी लगेगी। तो ये तो डन हो चुका है, चलिए चलते हैं आगे के प्रोसेस में। तो यहाँ पे हम दोबारा से लेंगे थोड़ा सा चीज़ और इस तरह कद्दूकस की मदद से इनके ऊपर कर देंगे ग्रेट। सभी के ऊपर कर दीजिए आप। तो फ्रेंड्स, मार्केट वगैरह में ये रेसिपी तो बहुत महंगी मिलती है, बच्चे बहुत ज़िद करते हैं इस तरह इन्हें खाने की। तो इजीली आप इन्हें घर पे ही बना सकते हैं गेहूं के आटे से। और देखिए फ्रेंड्स, इस तरह हम दूसरी साइड इसे कर देंगे फोल्ड, और ये बहुत इजीली इसके ऊपर चिपक जाती है क्योंकि इसमें काफ़ी सारी स्टफिंग है और चीज़ वगैरह है, तो ये आराम से इसके ऊपर चिपक जाती है। बस इसी तरह सभी को हम पहले बना के तैयार कर लेंगे। और अब चलते हैं हम तवे की तरफ। तो यहाँ पे वापस से मैंने वही तवा ले लिया है, और उस पे डाल देंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, साथ में ही थोड़ा सा बटर डालेंगे, क्योंकि बटर में जब हम इन्हें सेकेंगे तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा फ्रेंड्स। बस दोनों को डाल के पूरे तवे पे अच्छे से स्प्रेड कर दें, और स्प्रेड करने के बाद जो हमने अपनी शीट्स बना के रखी हैं छोटी छोटी सी, उन्हें आप इन पर लगा दीजिए। और लगाने के बाद आपको बटर और घी लगा के दोनों साइड इन्हें अच्छे से फ्राई कर लेना है, मतलब अच्छे से सेक लेना है। एक साइड से अच्छे से ये सेक जाएं, फिर आप इन्हें चिमटे की मदद से पलट दें, और इसी तरह दोनों साइड आपको सेकना है। तो ढक्कन लगा के मैंने यहाँ पे इन्हें अच्छे से सेक लिया है दोनों साइड अलट पलट के, और आप देख सकते हैं कि इन पे कितना ज़्यादा अच्छा कलर आया है और चीज़ भी अंदर से मेल्ट होने लगी है।
फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है फ्रेंड्स, एक बार आप इन्हें ज़रूर बनाएं, ये बहुत पसंद आने वाली है आपको। और बनाने में तो आपने देखा ही कितनी झटपट तरह से बन के तैयार हो जाती है। तो बस दोनों साइड मैंने अलट पलट के ढक्कन लगा के इन्हें कर लिया है कुक, और आप देख सकते हैं कि चीज़ अंदर से हो गई है बहुत ही अच्छे से मेल्ट। तो बस इन्हें नीचे से एक बार और अच्छे से कुक कर लेना है। चिमटे की मदद से आप इन्हें इस तरह अरेंज कर दें जिससे कि इनकी नीचे वाली जो साइड होती है वो भी अच्छे से कुक हो जाए। तो दोनों साइड तो पहले ही अच्छे से कुक हो गई हैं, बस इस तरह आप इन्हें खड़ा कर देंगे तो नीचे की साइड भी अच्छे से कुक हो जाएंगे। बस अब इस पे ढक्कन लगा दीजिए आप 1 सेकंड के लिए। तो चलिए अब ढक्कन हटा के देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, दोनों साइड से और नीचे से ये बहुत अच्छे से पक गया है और चीज़ भी हमारी अच्छे से मेल्ट हो गई है। तो चलिए फ्रेंड्स अब प्लेटिंग कर लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी आटे से बनने वाली हमारी टेस्टी सी रेसिपी, जो बच्चे हों या बड़े सभी इसे बहुत शौक से खाते हैं। आप इसे बना के बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं, सबको बहुत अच्छी लगती है। और बाज़ार वगैरह में तो ये बहुत ही ज़्यादा महंगी मिलती है, तो आप बहुत झटपट तरह से इसे घर पर बना के खुद तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा उसे शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।